हेलो फ्रेंड्स, एसईओ के लिए आप क्या करते हैं? आप कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते होंगे, आप बैकलिंक्स करते होंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल एसईओ करते होंगे, आप ऑफ पेज एसईओ भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है 2019 ये जो करंट ईयर है, जहाँ पे एल्गोरिदम में भी एआई का यूज़ बहुत हो रहा है, वहाँ पर और क्या क्या सिग्नल्स देखे जाते हैं? क्या आपको पता है कि सिर्फ लोग कीवर्ड्स के हिसाब से ही लोग आपको सर्च नहीं करते हैं, या तो फिर गूगल के एल्गोरिदम सिर्फ कीवर्ड्स के हिसाब से ही आपके वेबसाइट को कंसिडर नहीं करता है? तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप सोच सकते हो, कर सकते हो, और इसका सीधा फायदा आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने में या वेबसाइट को टॉप पे लाने में आपको मिल सकता है? आज ही हम देखेंगे। हम बहुत से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम गेस्ट ब्लॉगिंग भी करते हैं, और कई बार हम कीवर्ड्स को इस तरीके से कंसीडर करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन के रिजल्ट पर आ सके। लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है कि अगर आप एक ब्रांडिंग एक्टिविटी भी करते हो तो उसका आपको फ़ायदा अपने सर्च इंजन के रिजल्ट पर भी मिल सकता है? जी हाँ। तो आपकी कंपनी के बारे में लोग कितना जानते हैं, एक कंपनी के ओनर के तौर पर, फाउंडर के तौर पर या डायरेक्टर के तौर पर लोग आपको कितना जानते हैं, अगर ये भी आपके कंसिडरेशन में होता है तो आप ज़रूर इसका सीधा फायदा आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ले सकते हो। जैसे कि अगर लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे तो आपके नाम से भी लोग सर्च करते हैं, और जब लोग आपको आपके नाम से सर्च करते हैं तो उसका सीधा फायदा आपके वेबसाइट में रहे आपके नाम को मिलता है और आपकी वेबसाइट टॉप पर आती है। इसी तरीके से अगर लोग आपको कीवर्ड के तौर पर सर्च ना करें और अगर आपकी कंपनी के नाम के तौर पर लोग याद करके सर्च करें तो भी वो एक आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। हालांकि ये कहा जाता है कि ब्रांड नेम के साथ ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि हर कंपनी ब्रांड पहले दिन से नहीं होती है। कई कंपनियों को ब्रांड बनने में बरसों लग जाते हैं। अगर आप एक नई कंपनी हो, अगर आप छोटी कंपनी हो, या अगर आप लोकल कंपनी हो, तो आपके लिए अपनी ब्रांड के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाहे ये एसईओ हो, आपको दो चीज़ों के ऊपर भी फोकस पैरेलली करना चाहिए। नंबर एक, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर फोकस कीजिए, वहाँ पर आप अपने नाम को एक कंपनी के फाउंडर के नाम से या तो फिर अपनी कंपनी को भी एक ब्रांड के तौर पर एक प्रस्थापित कीजिए। और दूसरी चीज़, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग आपकी ग्राउंड एक्टिविटी को भी याद करते हैं, आप जो मार्केट में करते हैं उसको भी याद करते हैं, और उसके बाद वो जब आपको ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो वो आपके नाम से, आपके कंपनी के नाम से जाकर सर्च करते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पर लोग आपकी वेबसाइट तक ना सिर्फ रूटीन कीवर्ड से पहुँचते हैं लेकिन आपके नाम से या आपकी कंपनी के नाम से भी सर्च रिजल्ट में आते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा एक कंटिन्यूस एनालिसिस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके नाम से या आपकी कंपनी के नाम से लोग कितना सर्च करते हैं, और जब आपको एक कंसिस्टेंसी दिखे या आपको ये दिखे कि आपका रिजल्ट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो आपके नाम का है या आपकी कंपनी के नाम का है वो भी धीरे धीरे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको गूगल का क्रॉलर भी जानने की कोशिश करता है और वो भी आपको पसंद करता है। आखिर में इसके साथ साथ अपनी जो सर्च क्वेरीज है उसके लिए गूगल माई बिजनेस में भी आप जाइए, वहाँ पर भी चेक कीजिए कि लोग वहाँ पर भी कौन से कीवर्ड्स के साथ ढूंढते हैं। और हाँ, वहाँ पर भी आपको आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम अगर मिले तो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि उसी के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं। सो ये था आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एसईओ के रिलेटेड था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको जानना है, उसके बारे में कुछ समझना है, तो आप बेशक मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको ये सवाल लिख देना है #AskBhautik के साथ। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या तो फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं आपके वो सवाल पढ़ूंगा और हो सके तो आने वाले किसी भी एपिसोड के अंदर आपको उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा।
तब तक के लिए लेट्स ग्रो डिजिटली टुगेदर।